लर्निंग हाउ मशीन लर्न्स पे आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 5 मस्ट रीड बुक्स फॉर मशीन लर्निंग बिगिनर्स। सो लेट्स बिगिन। बुक्स देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जो बुक्स का सीक्वेंस है वो इंडिकेट करता है डिफिकल्टी लेवल। लाइक द फर्स्ट बुक इज मोर बिगिनर फ्रेंडली देन द लास्ट बुक। सो द बेस्ट वे टू फॉलो दिस बुक्स इज टू रीड देम सीक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर एज आई शो हियर इन दिस वीडियो। तो इस लिस्ट में हमारा पहला बुक है मशीन लर्निंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स बाय ओलिवर थियोबाल्ट। ये बहुत ही छोटा सा एक 128 पेजेस का इंट्रोडक्टरी लेवल का बुक है। इस बुक का खास बात यह है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये बुक मशीन लर्निंग और उसके जो डिफरेंट सब टॉपिक्स है उसका एक ओवरव्यू देता है। ये बुक लेस मैथमेटिकल है कम्पेयर टू द अदर बुक्स, और कोई भी इंसान जो पहली बार मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रख रहा है उसके लिए ये एक परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन है। तो सर्टेनली दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर द बिगिनर्स। इस लिस्ट में हमारा दूसरा बुक है मशीन लर्निंग फॉर डमीज बाय IBM। अगेन बहुत ही छोटा लेस देन 100 पेजेस का एक इंट्रोडक्टरी बुक है। जो मशीन लर्निंग समझना चाहता है विदाउट फेसिंग द डिफिकल्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एट द वेरी बिगिनिंग, दिस बुक इज फॉर दोज पीपल। बिल्कुल भी मैथमेटिकल नहीं है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है इस बुक में। This book is also good for managers who wants to incorporate machine learning into their product. इस बुक में मशीन लर्निंग के ओवरव्यू के साथ साथ कुछ मशीन लर्निंग का यूज केसेस भी दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस किस सिचुएशन में कैसे हम मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर मस्ट रीड। इस लिस्ट में हमारा तीसरा बुक है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न एंड टेंसरफ्लो बाय ओरियली। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। दैट इज वेयर दिस बुक फिट्स राइट इन। जो भी एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट है या जो भी जानना चाहता है हाउ टू कोड इन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स, दिस बुक विल गिव देम अ हेड स्टार्ट। ये बुक एक रॉ डेटा सेट को कैसे प्रोसेस करके फाइनली कैसे उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करना होता है वो सब एक स्टेप बाय स्टेप मैनर पे बताया है। तो फॉर एनी एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट दिस बुक इज अ मस्ट। अब बढ़ते हैं इस सीक्वेंस में चौथे बुक की तरफ। ये बुक है मशीन लर्निंग अ प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव बाय केविन पी मर्फी। अ वेरी गुड बुक फॉर मशीन लर्निंग रिसर्चर्स। इस बुक में सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिटेल्स में समझाया गया है। बहुत ही बल्की बुक है विच इज गुड फॉर नोइंग द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द सीन्स। मैं सजेस्ट करूंगा यूज दिस बुक एज ए रेफरेंस बुक एंड डोंट स्टडी द बुक इन एन एंड टू एंड फैशन। यूज इट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सपोज अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझना हो तो गो टू दैट चैप्टर एंड ट्राई टू रीड द पार्ट व्हिच डिस्क्राइब्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अब देखते हैं हमारी आखिरी बुक इस लिस्ट का, जो कि है पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग बाय क्रिस्टोफर एम बिशप। अगेन अ बल्की बुक विद ऑल द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स। डोंट स्टडी दिस बुक एंड टू एंड, यूज इट एज ए रेफरेंस बुक। आई पर्सनली प्रेफर दिस बुक व्हेन आई नीड टू understand any concept in machine learning. So how do I read all these books? Sare books ko end to end padhna hai. What to expect after completing all the books? So as I said earlier, sare books ko end to end nahi padhna hai. Start with the first two books. Chhota book hai. Choose anyone and read end to end. Get a brief overview. Next, read the third book and also try to code simultaneously. और जब भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो वाइल रीडिंग द थर्ड बुक, यूज एनी ऑफ द बुक आइदर फोर्थ और द फिफ्थ वन। अगेन चूज वन बुक अमंग फोर्थ एंड द फिफ्थ, क्योंकि दोनों का सिंटैक्स बहुत डिफरेंट है। तो लास्ट थिंग यू वांट एट द वेरी बिगिनिंग इज टू गेट कंफ्यूज्ड बाय द सिंटैक्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड बुक यू विल हैव अ सॉलिड बेस इन मशीन लर्निंग। आपको पता होगा कि हाउ टू अप्रोच अ न्यू प्रॉब्लम, हाउ टू कोड एंड किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन सूटेबल है। You will also be able to read and understand the research papers. I hope ki video informative tha. Agar aapko computer science related kisi bhi topic mein video chahiye, to do let me know in the comment section below. Till then, tata, bye bye.